दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की अगर हम बात करें तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में रोहतास नगर विधानसभा की 70 विधानसभाओं में रोहतास नगर विधानसभा की अगर हम बात करें तो जहां सरिता सिंह जी टिकट मांग रही हैं, वहां अन्य कार्यकर्ता भी चुनावी मैदान में है टिकट मांगने के लिए। हमारे बीच में रामवीर सिंह मलिक साहब है जो की शिक्षा जगत से रिटायर्ड है और ये भी दावेदारी कर रहे हैं कि रोहतास नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी से टिकट मिलेगा। सर क्या कहना चाहेंगे, क्यों दावेदारी कर रहे हैं रोहतास नगर? देखो, मेरी दावेदारी इसीलिए है कि सरिता को जब 2015 में जनता ने जिताया था और इस लड़की ने सबसे ज्यादा रोहतास नगर की जनता को निराश किया है, क्योंकि 2000 निराश किया है, निराश या काम किया है? काम नहीं किया है, निराश किया है। अच्छा। जनता सबसे ज्यादा निराश है। क्यों निराश है? क्योंकि 2015 के बाद, और ये आंकड़े बता रहे हैं, 2015 के बाद जितने भी चुनाव रोहतास नगर विधानसभा में हुए हैं, चाहे 2017 निगम पार्षद के चुनाव में चारों सीट हारे हम, 2022 में निगम पार्षद के चुनाव में केवल शिवानी जीती, वो भी केवल इसी वजह से जीती कि मेरा जो अपना आकलन है वो इसीलिए जीती कि पांचाल समाज तन मन धन से लग के उस लड़की को जिताने में कामयाब रहा। उनको लगता कि पहली बार हमें टिकट मिला है पांचाल समाज को, सबने मिलके एक एक ने मेहनत करके उस लड़की को जीता और वो भी जीती केवल 300-350 वोटों से। तो उसको मैं मानता हूँ कि वो एक जीत है, लेकिन खाता तो खुला रोहतास नगर, खाता खुला, ये अच्छी बात है। रोहतास नगर विधानसभा में जहाँ भाजपा का कब्जा था, जहाँ कांग्रेस का कब्जा था, वहाँ आम आदमी पार्टी ने, भाजपा का कब्जा नहीं था 2015 में, हमारा कब्जा था 2015 में, हमने भाजपा को हराया था। और ये एक अवसर था कि हम सरिता बहन से हमें उम्मीद थी कि वो जो है ना क्षेत्र के लोगों की सेवा करे, लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, आम आदमी पार्टी का है, और मैं कहता हूँ सरिता का भी दुर्भाग्य है, वो उम्मीदों पर खरी नहीं है। वो तो लगातार बाजार के अंदर है, बड़ों का सम्मान करती है, छोटों का आदर करती है, और आप कह रहे हैं चलो मैं कहता हूँ बड़ों का सम्मान करती है, फिर बड़े लोग उसके साथ क्यों नहीं है? मेरे जैसे पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता 2015 में दिन रात एक करके हमने जब उसको जिताने का काम किया, पार्टी का चुनाव जीतते ही 2 महीने के अंदर मुझसे बात करनी बंद कर दी, ये सम्मान है बड़ों का। और जितने भी वरिष्ठ, चाहे वो सामाजिक आदमी है, समाज के आदमी है, चाहे पार्टी के वरिष्ठ आदमी है, जिन लोगों को हमने, इवन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं उनको, मतलब हमने समझा के अपने प्रभाव से, विनम्रता से, हम उनको 2015 में आम आदमी पार्टी के साथ लाए। भारतीय जनता पार्टी क्या पोजिशन है रोहतास नगर विधानसभा की? पोजिशन ये है कि लोग एक बेहतर विकल्प चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वापसी कांग्रेस की ओर, क्योंकि आप भी पहले रामबाबू जी के साथ आपने भी काम किया? देखिए, रामबाबू जी के साथ हमने काम किया, रामबाबू जी ने काम किया उसको कोई नकार नहीं सकता, रामबाबू जी का एक उदाहरण था, और मैं कहता हूँ रामबाबू जी से भी अच्छा काम किया था राधेश्याम खन्ना जी। मैं अपने कार्यकाल में, जब से मैं यहाँ रोहतास नगर में रह रहा हूँ, मेरे हिसाब से 2 सबसे बढ़िया विधायक थे राधेश्याम खन्ना जी और रामबाबू। जितेंद्र महाजन जी कौन से पायदान पे? देखो, जितेंद्र महाजन जी मेरे छोटे भाई हैं, स्वभाव उनका अच्छा है, लेकिन जनता निराश है। कारण, काम नहीं करा? काम नहीं करा, लोगों का काम नहीं करा। मैं अभी जो है ना 15 दिन पहले गया हुआ था एक जगह, पार्टी के जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा केवल 4 आदमी है जितेंद्र महाजन के साथ जिनके लिए वो काम कर रहे हैं। तो फिर वो लगातार कैसे जीत के बाद दर्ज करा रहे हैं? एक बार जीते बस, ठीक से एक बार ही तो जीते 2020 में, पहले तो तब तो वो मामला ऐसा ही था जब 2013 में जीते, एक महीने एक साल के करीब रहे। 2025 क्या रहेगा? 2025 यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीतेगी अगर अच्छा उम्मीदवार आया तो। अच्छे उम्मीदवार की पहचान क्या? अच्छे उम्मीदवार की पहचान ये है जो जनता से जुड़ा हुआ है और क्षेत्र में उसका सामाजिक प्रभाव है। और मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये रोहतास नगर का जो सामाजिक समीकरण है, लगभग 70% से ज्यादा लोग इस क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी आदमी को, अच्छे आदमी को, जिसका समाज में पकड़ है, व्यवहार अच्छा है, सबसे जुड़ाव है, उसको अगर उम्मीदवार आम आदमी पार्टी बनाती है 200% जीतेगी आम आदमी पार्टी। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से रोहतास नगर विधानसभा में खाता खोला है, क्या वो काम पर खरा उतर रही है? शिवानी के बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता, वो बेटी है हमारी, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है शिवानी से कि वो कनेक्टिविटी समाज से नहीं बना पा रही,
मेरे पास फोन आए कुछ लोगों के, कनेक्टिविटी समाज से नहीं बना पा रही। मैं आपके माध्यम से शिवानी को आशीर्वाद भी देना चाहता हूं और उससे अपील भी करना चाहता हूं जनता के लिए, उस समाज से जुड़ के रहे। दिल्ली के अंदर क्या नाम है, आम आदमी पार्टी नगर निगम में जनता लेकर के आई, लेकिन वही ढाके तीन पर, ना साफ सफाई है, ना करप्शन पे लगाम है, ना किसी तरीके से। नहीं 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 नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। जब से आम आदमी पार्टी नगर निगम में आई है, सफाई की स्थिति दोगुनी बेहतर हुई है। कितना कूड़ा का पहाड़ नीचे कम हो गया। कूड़ा का पहाड़ एक लंबी प्रक्रिया है और उसपे बोला गया कि हम इस लंबी प्रक्रिया में कूड़े के पहाड़ को कम करेंगे, और मुझे उम्मीद है। पॉल्यूशन नहीं संभल रहा। पॉल्यूशन कैसे नहीं संभल रहा, आप वस्तु स्थिति देखो, AQI का लेवल देख रहे हैं आप। देखिए ये मजबूरी बन रही है छुट्टी करना। मैं मानता हूँ AQI अब बढ़ा है, क्योंकि ये सीजनल चेंज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण को कम करने में काम नहीं किया। एक और फैक्ट मैं बताता हूँ। मेरे हिसाब से दिल्ली में हर साल लगभग 5 लाख लोग प्रवास से दूसरे प्रदेशों से आके 5 लाख लोगों पे 5 लाख लोग बढ़ रहे हैं। मतलब हमारा जो नेचुरल ग्रोथ तो इतना नहीं है पॉपुलेशन का, लेकिन माइग्रेशन का ग्रोथ इतना है। उस ग्रोथ की वजह से जो संसाधनों पे वो बढ़ने के पीछे कारण क्या नजर आता है? कारण है पूरे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की खामी, क्योंकि लोगों को गाँव में काम ही नहीं मिल रहा। चाहे बिहार के हैं, दिल्ली काम देती है, दिल्ली तो काम देती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। दिल्ली में आप कुछ नहीं, रिक्शा चला सकते हो, कंस्ट्रक्शन के काम में लग सकते हो, दिल्ली में काम मिलता है। ओला उबर की गाड़ी चला सकते हो, जोमेटो स्वैगी फ्लिपकार्ट अमेज़न बिल्कुल डिलीवरी कर सकते हो। मतलब यहाँ पर किसी भी तरह के आदमी को, चाहे वो शिक्षित है, शराब के ठेके खोल सकते हैं, शराब के ठेके देखे काम है। नहीं 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 नहीं, देखो वो मैं उस बात को नहीं मानता। होटल भी खोले जा सकते हैं। नहीं नहीं, होटल देखो और सब काम है। आप अगर शराब के ठेकों को नकारात्मक ले जा रहे हो, तो आज रोहतास नगर विधानसभा में जहाँ शराब के ठेके गिने चुने होते थे, आज आपके सामने है। कितने ओयो होटल आपके सामने है। नहीं नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि जो शराब के ठेके खुले हैं और वो जो सरकार की नीति रही है, पॉलिसी रही है, उसमें ऐसा कोई नकारात्मकता नहीं है कि शराब के ठेकों से जनता को परेशानी। रामवीर जी, दिल्ली की जनता त्रस्त है, उनके घर बर्बाद हो गए, उनके बच्चे बिगड़ गए इन शराब के पेटी के साथ, पेटी फिरी। मुझे एक बात बताओ, मैं भी मेरी कॉलोनी में रह रहा हूँ, मेरी कॉलोनी में मुझे तो आसपास कहीं नहीं दिखता कि शराब पीता हुआ आदमी नहीं दिखता। ये तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है भाई, मेरी गली है, मेरा एरिया है, कहीं भी मुझे कोई शराब पीता हुआ आदमी नहीं दिखता, और मैंने कभी देखा नहीं कि भाई कोई शराब पी के घर में कोई लड़ाई है या झगड़ा है। अशोक नगर वार्ड में कोई त्रस्त नहीं है शराब पीने वाला। देखिए जो मेरी समझ, मेरी नजदीक है, मुझे कोई किसी ने नहीं बोला अशोकनगर में चाहे कहीं भी कि शराब की वजह से किसी के घर में तकरार है या लड़ाई है। बहरहाल 2025 बदलाव मांग रही है बिल्कुल रोहतास नगर में बदलाव मांग रही है, और निश्चित रूप से भाजपा के विधायक से लोग खुश नहीं है। लेकिन अगर अच्छा विकल्प आम आदमी पार्टी नहीं देगी तो उस स्थिति के बारे में फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस ने बढ़िया विकल्प दे दिया तो? कांग्रेस में एक बात बताऊंगी, कांग्रेस में तो उम्मीदवार नहीं लड़ने के लिए, मेरे साथी कांग्रेस के लोग 15 जने टिकट मांग रहे हैं। और मुझे रिपोर्ट मिली है जो मेरे नजदीक के साथी है, वो कह रहे हैं गुरुजी हमें हार न तोड़ रही है। अभी परसों मेरे पास फोन आया था, एक भाई का नाम नहीं बताऊंगा, गुरुजी मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। और हमारे और बहुत साथी है कांग्रेस से कोई टिकट मांगने के लिए तैयार, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। वो जो 15 जने मांग रहे हैं वो ऐसे ही वो है। मुझे नाम गिनाओ, 15 जने कौन है मुझे बताओ, आप 15 जने कौन है? 15 जनों में कोई भी नहीं मांगने के लिए, केवल यहाँ पर मारामारी है सबसे ज्यादा भाजपा और आम आदमी पार्टी, और भाजपा में मारामारी। दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी? आम आदमी पार्टी की बनेगी, केजरीवाल जी तीसरी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और दिल्ली की सेवा लगातार करते रहेंगे। रामवीर जी, चलते चलते आखिरी सवाल, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, निर्दलीय बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। हाँ, अगर पार्टी मेरे जैसे प्रतिबद्ध कार्यकर्ता को चुनाव नहीं लड़ाएगी तो मुझे आशंका है उसका नुकसान पार्टी को भुगतना पड़ेगा। सीधा कह दीजिए ना कि भाजपा जीतेगी। नहीं नहीं, ये नहीं मैं कह, देखो जनता जो फैसला लेगी वो अलग बात है, लेकिन मेरा अपना आकलन है, अगर एक अच्छा उम्मीदवार आम आदमी पार्टी नहीं उतार पाती तो निश्चित रूप से उसका नुकसान पार्टी को होगा। क्या होगा वो तो जनता डिसाइड कर, मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है, जनता क्या डिसाइड करेगी वो बाद में पता चलेगा। और अगर सरिता जी को ही दोबारा टिकट मिलता है फिर क्या रहेगा? जनता तो नहीं चाहती, जनता नहीं, क्षेत्र की जनता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं चाहता कि सरिता को टिकट मिले। और अगर पार्टी जन आकांक्षाओं को नहीं समझती, क्षेत्र के
कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नहीं समझती और सरिता को फिर लड़ाती है तो निश्चित रूप से पार्टी को उसका नुकसान होगा, भुगतना पड़ेगा। नतीजा क्या होगा वो मतदाता तय।